गाइस कल फाइनली सैमसंग ए सीरीज के मच अवेटेड स्मार्टफोन गैलेक्सी A33, A53 और A73 5G को ग्लोबली लॉन्च करने वाला है और लॉन्च से पहले ही गैलेक्सी A53 5G के बॉक्स कंटेंट की डिटेल्स सामने आ चुकी है, जिसमें सिर्फ स्मार्टफोन और चार्जिंग केबल देखने को मिलती है। चार्जिंग एडेप्टर को इस बार बॉक्स में से रिमूव कर दिया है। वहीं ये स्मार्टफोन चार कलर ऑप्शन में देखने को मिलेगा, व्हाइट, ब्लैक, ब्लू, ऑरेंज। इसके अलावा स्मार्टफोन की प्राइस और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन भी निकल कर सामने आ चुकी है। तो गाइज इस वीडियो में हम बात करेंगे गैलेक्सी A53 5G की कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, इंडिया प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में। तो उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको ऐसी कमाल की टेक वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके। तो सबसे पहले इसके प्रोसेसर की बात करें तो ये स्मार्टफोन एक्सिनोस 1280 SoC के साथ आएगा। प्रोसेसर की डिटेल्स भी कंफर्म हो चुकी है। ये प्रोसेसर 5 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर बना हुआ 5G चिपसेट है और इसका एंटीटी स्कोर 4 लाख से कम है, जो कि थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंटिंग कर सकता है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर से, तो इसका एंटीटी स्कोर स्नैपड्रैगन 765G के इक्वल देखने को मिलता है। इट मीन्स कि परफॉर्मेंस तो आपको यहाँ पर ठीक ठाक देखने को मिल जाएगी, बट ये स्मार्टफोन जिस प्राइस पॉइंट पे लॉन्च होगा उस हिसाब से ये स्कोर थोड़ा सा कम है। बट एनीवे परफॉर्मेंस आपको इस स्मार्टफोन की काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी और ये प्रोसेसर काफ़ी पावर एफिशिएंट है, तो बैटरी बैकअप भी आपको इस स्मार्टफोन का काफ़ी कमाल का देखने को मिल जाएगा। वहीं ये स्मार्टफोन 8.1mm की थिकनेस और 189g लाइट वेट वाला स्मार्टफोन होगा और इसके बॉटम में सिम स्लॉट, स्पीकर, ग्रिल, प्राइमरी माइक्रोफोन और USB टाइप सी चार्जिंग पोर्ट के साथ में 5000mAh की बड़ी बैटरी लगी होगी, जो कि 25 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी और अनफॉर्चुनेटली ये चार्जर आपको बॉक्स के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। वही नेक्स्ट इसके कैमरास के बारे में बात करें तो इसके रियर में सैमसंग टिपिकल स्टाइल में क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें प्राइमरी सेंसर 64MP का होगा। इसके अलावा 12MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 5MP का मैक्रो और 5MP का डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा अलोंग विद LED फ्लैश लाइट। वहीं इसके फ्रंट में सेल्फी के लिए 32MP का सेल्फी कैमरा लगा होगा और इसके रियर मेन कैमरे में आपको OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा फोटोज और वीडियोज की स्टेबलाइजेशन में और लो लाइट कंडीशन में अच्छी फोटोज को कैप्चर करने में। वहीं आप इसके रियर मेन कैमरे से आप 8K रेजोल्यूशन में 24 फ्रेम पर सेकंड तक वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे। तो कैमरा वाइज ये स्मार्टफोन काफ़ी कमाल का रहने वाला है, जहां पर आप इसके रियर और फ्रंट कैमरे से काफ़ी अच्छी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को शूट कर पाओगे। वहीं अब इसके डिस्प्ले के बारे में बात करें तो इसमें इन्फिनिटी ओ कट डिजाइन में 6.5 इंच की फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट वाली सैमसंग की सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगी और ये फुल HD प्लस रेजोल्यूशन और फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन के साथ आएगी, जिसमें 800 निट्स की मैक्सिमम पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर सैमसंग बेस्ट डिस्प्ले को इसमें प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर चाहे आप इसमें गेमिंग करें या फिर अपना फेवरेट कंटेंट कंज्यूम करें, दोनों हिसाब से इसके डिस्प्ले में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको इसमें ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर, सैमसंग की नॉक सिक्योरिटी, 12 5G बैंड, IP67 रेटिंग, डुअल स्टीरियो स्पीकर विद डॉल्बी एटमोस, NFC और लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। वहीं अब इसकी इंडिया अवेलेबिलिटी और प्राइस के बारे में बात करें तो ये स्मार्टफोन इंडिया में नेक्स्ट वीक में अवेलेबल हो जाएगा और इसके बेस वेरिएंट की प्राइस 28,000 रुपये होगी। तो गाइस क्या आप सैमसंग के अपकमिंग स्मार्टफोन गैलेक्सी A53 5G के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं, बताना जरूर कमेंट्स करके। तो दोस्तों बस आज की फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम यहाँ पर रोजाना ऐसी कमाल की टेक वीडियो सबसे पहले लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।